लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पांचवा वीडियो है। पांचवा वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी। उसका जो स्टेटमेंट है कि इफ लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस। तो गिवन ये चीज दिया हुआ है, गिवन एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी, ठीक है। और ये जो एफ एस है, एफ एस इज इक्वल टू जो लाप्लास एफ टी है, तो बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। हमको चाहिए क्या बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू ये होता है। अच्छा, हमको चाहिए क्या, डी एफ एस बाई डी एस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू डी बाई डी एस जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। अब देखिए डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू डी बाई डी एस को अगर अंदर ले जाएंगे तो बाई लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके आधार पर क्या होता है, उसके आधार पर होता है कि इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल एस क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये होता है। ये क्या बाय लेबनीज रूल फॉर डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय लेबनीज रूल फॉर डिफ्रेंसिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन से ये डी बाई डी एक्स अगर अंदर में चल जाता है तो डेल हो जाता है, तो होगा डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी पार्शियल डिफरेंशिएशन एस पर एस एस के रेस्पेक्ट में, मतलब इसमें तो एस नहीं है एफ टी में तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन इसी का होगा, मतलब हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ई टू दी पावर माइनस एस टी और एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब माइनस टी, और ये एफ टी तो एफ टी का डिफरेंशिएशन होगा नहीं एफ टी डी टी, ठीक है। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एफ टी का नहीं होगा, खाली इसी का होगा। तो अब ये क्या हुआ, डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिट, माइनस को बाहर कर दिए और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी और टी एफ टी डी टी, ठीक है। अब देखिए डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस, और ये क्या है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और इसको पूरा को अगर एफ टी डी टी मान लेंगे तो जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, मतलब लाप्लास लाप्लास टी एफ टी। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू लाप्लास टी एफ टी, ठीक है। हेंस लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी एफ एस बाई डी एस, ये प्रूव हो गया। तो ये था मल्टीप्लीकेशन बाय पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, इफ स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज इफ लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास टी का पावर एन एफ टी इज इक्वल टू माइनस वन का पावर एन डी एन एफ एस बाई डी एस, जहां पर एन का वैल्यू वन टू थ्री डेस 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 इस प्रकार से, ठीक है। तो
तो इसका प्रूफ हम लोग करेंगे, वी शैल प्रूफ दिस थियरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. वी शैल प्रूफ, वी शैल प्रूफ द थियरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. वी शैल प्रूफ द थियोरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल इंडक्शन इज दैट वी फर्स्ट शो दैट द थियोरम इज ट्रू फॉर n is equal to 1. After that, we let the theorem is true for n is equal to k, and we shall prove the theorem is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k. देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए थियोरम सही है कि नहीं. अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए थियोरम सही है तो हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि ये थियोरम n इज इक्वल टू k के लिए सही है, और n इज इक्वल टू k के लिए सही मानते हुए हमको प्रूफ करके दिखा देना पड़ेगा कि ये थियोरम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही है. ठीक है, तो सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या होगा? लाप्लास टी का पावर एन मतलब 1, टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर एन मतलब 1, डी 1 मतलब डी एन डी 1 माने डी बाय डी एस एफ एस. ठीक है, माइनस 1 मतलब ये. अगर n के जगह इसमें हम लोग जो प्रूफ करना है उसमें n के जगह अगर 1 बैठाते हैं तो हम लोगों को ये मिलता है. अब देखना पड़ेगा ये सही है कि नहीं. तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं, लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू ये होता है. तो इसको हम लोग यहां पर प्रूफ करके देखना पड़ेगा. गिवन क्या दिया हुआ है? एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी. एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी, और बाई डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? By definition of Laplace 0 to infinity e का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. ठीक है, ये हो गया. ये क्या बराबर हुआ? एफ एस. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो डी एफ एस बाई डी एस इज इक्वल टू, यहां भी डी बाई डी एस 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. ठीक है, और बाई लेबनीज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोलता है, क्या होता है कि डी बाई डी एस अंदर अगर जाएगा तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल बाई डेल एस हो जाएगा. मतलब 0 टू इन्फिनिटी डेल बाई डेल एस e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. ठीक है, ये होगा. आप पार्शियल डिफरेंशिएशन जब इसका करेंगे तो एफ टी में तो एस नहीं है, देयर इज नो एनी एस इन एफ टी. सो एफ टी एज ए कॉन्स्टेंट फॉर दिस. तो क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एस सिर्फ और सिर्फ e टू दी पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन होगा इंटू एफ टी डी टी. तो 0 टू इन्फिनिटी इसका क्या हो जाएगा? माइनस टी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. तो यहां पर माइनस टू को बाहर लाइए, और यहां पर e टू दी पावर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू टी एफ टी डी टी. और ये हो जाएगा, इससे पहले थ्योरम में हम लोग देख चुके हैं, ये होता है लाप्लास t
टी एफ टी, ये क्या बराबर हुआ, ये हुआ डी एफ एस बाय डी एस, ठीक है। अब यदि हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एफ एस बाय डी एस, सॉरी लाप्लास एफ टी नहीं, लाप्लास टी एफ टी, लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हो गया, ये वाला देखिए ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड फॉर एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। सो द थियोरम, सो द थियोरम इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल ही है कि सबसे पहले एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूफ करके देखना पड़ेगा, अगर एन इज इक्वल टू वन के लिए सही है थियोरम तो हमको मान लेना पड़ेगा कि दिस थियोरम इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो नाउ लेट दिस थियोरम इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, हम लोग मान लेंगे कि ये थियोरम एन इज इक्वल टू के लिए सही है, दैट इज एन इज इक्वल टू के लिए सही है। इसका मतलब इसमें जहां जहां भी एन है वहां वहां के दे सकते हैं, मतलब लाप्लास टी का पावर एन एफ टी इज इक्वल टू होगा माइनस वन का पावर के डी एन एफ एस बाय डी एस, ठीक है। डी एन नहीं है, डी जब जहां जहां एन है वहां के, मतलब यहां भी के हो तो यहां भी के, ठीक है। मतलब थियोरम इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मैंने जहां जहां पर एन है वहां वहां हम लोग के लेंगे, ठीक। अब क्या, और ये जो लाप्लास एफ टी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी टी का पावर के एफ टी डी टी, और राइट साइड में माइनस वन का पावर के डी के बाई डी एस के, डी के बाई डी एस एन होता है, ठीक है। तो डी ये के, ठीक है, वहां पर भी एक गलती था, डी एन एफ एस बाई डी एस एन होगा, ठीक है, मतलब एन बार डिफरेंशिएशन एफ एस का, ठीक। तो ये होगा डी एफ एस। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो हो जाएगा डी बाई डी एस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी टी का पावर के एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस वन का पावर के, ये कांस्टेंट है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी के प्लस वन बाई डी एस के प्लस वन एफ एस, ये होगा। अब देखिए जब ये बाय डिफिनेशन बाय लेबनीज रूल्स बाय लेबनीज रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, वो क्या हो जाएगा ना, ये डी बाई डी एस जब अंदर चल जाएगा तो डेल बाय डेल एस हो जाएगा, मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एस, मतलब जीरो टू इंफिनिटी इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टी ई टू दी पावर माइनस टी टी का पावर के एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस वन का पावर के डी के प्लस वन एफ एस बाय डी एस के प्लस वन, ठीक है। अब देखिए माइनस टू को बाहर कीजिए, जीरो टू इन्फिनिटी, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ई का पावर माइनस एस टी टी का पावर के और टी माने टी का पावर के प्लस वन एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस वन का पावर के डी के प्लस वन
बाई डी एस के प्लस वन एफ एस। अब दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देने से होगा जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी टी का पावर के प्लस वन एफ टी डी टी इज इक्वल टू माइनस वन का पावर के प्लस वन डी के प्लस वन एफ एस बाई डी एस के प्लस वन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देखिए जीरो टू इन्फिनिटी का पर माइनस एस टी एफ टी डी टी मतलब लाप्लास टी का पावर के प्लस वन एफ टी ये हो जाएगा। देखिए जीरो टू इन्फिनिटी का पर माइनस एस टी एफ टी डी टी, तो ये हो गया राइट साइड में माइनस वन का पावर के प्लस वन डी के प्लस वन बाई डी एस के प्लस वन और ये एफ एस। तो देखिए जहां जहां पर के था वहां वहां पर के प्लस वन आ गया। ठीक है, यहां पर तब हम लोग लिखेंगे दस द थियोरम इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। के प्लस वन के लिए सही है, कब के प्लस वन के लिए सही हुआ, जब हम मान लिए कि एन इज इक्वल टू के लिए सही है। तो ये थ्योरम एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए सही है व्हेन एवर इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या एन इज इक्वल टू वन के लिए सही हुआ, और जब हम n इज इक्वल टू के लिए सही माने, तो हम लोग n इज इक्वल टू के लिए सही माने तो उसको मानते हुए जब हम लोग हल कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये थ्योरम n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सही है। तो यही तो मैथमेटिकल इंडक्शन था, दस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन व्हेन एवर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। जब n इज इक्वल टू के लिए सही है तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सही है। Hence, by principle of mathematical induction the theorem is true for all positive integral values of n and hence क्या ना लाप्लास t का पावर n एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन का पावर n डी एन बाई डी एस एन एफ एस। यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? अगर किसी को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। एक क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट लाप्लास टी साइन एटी। तो लाप्लास टी साइन एटी जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए अगर हम ये जो थ्योरम कराए उस थ्योरम का अगर यूज हम लोग करना चाहेंगे इसमें, तो लाप्लास टी एफ टी मतलब इसको एफ टी मानना पड़ेगा। तो लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होने से लाप्लास टी एफ टी होता है। तो लाप्लास एफ टी का वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा, लाप्लास साइन एटी का वैल्यू। नाउ क्या इसका सोल्यूशन में लाप्लास साइन एटी इज इक्वल टू होता है, वी हैव लाप्लास साइन एटी इज इक्वल टू होता है ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए बाय एस स्क्वायर प्लस
इसमें। सो ये जो लाप्लास टी एफ टी, इसको अगर हम लोग एफ एस मान लेते हैं, से अगर हम इसको एफ एस मान लेते हैं, तो लाप्लास टी एफ टी मतलब टी साइन ए टी, ये क्या होगा? ये देखिए लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, इसको एफ एस अगर मान लेंगे तो लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा? लाप्लास टी एफ टी, ये जो पहले थ्योरम में कराए उस थ्योरम का अगर हम लोग यूज करेंगे तो लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू होगा माइनस डी बाई डी एस इंटू एफ एस, ठीक है, माइनस डी बाई डी एस एफ एस, एफ एस मतलब, एफ एस मतलब होगा ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस डी बाई डी एस मतलब माइनस ए को बाहर कर दीजिए, अब ये डी बाई डी एस मतलब डी बाई डी एस, यहां पर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसका माइनस वन हो जाएगा, मतलब माइनस ए इंटू इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर टू होगा इंटू टू एस, मतलब होगा माइनस माइनस प्लस टू ए एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, यही आंसर, इसको आप लोग जरूर बनाइए, ठीक है, ठीक है। और एक सवाल देखिए, इवेलुएट लाप्लास टी स्क्वायर साइन एटी, इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो एकदम सेम टू सेम लाप्लास साइन एटी इज इक्वल टू, अगर ये होता है तो ये एफ एस हो जाएगा, और यहां पर जब हम टी स्क्वायर लगा देंगे तो टी का पावर एन एफ टी इज इक्वल टू डी का पावर एन डी, मतलब यहां पर टू हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, यहां पर अगर हम लोग टी स्क्वायर लगा देंगे तो यहां पर ये टू टू हो जाएगा, अब तब ये टू टू, अब इसका दो बार डिफरेंशिएट करने से जो आएगा वही होगा इसका आंसर, ठीक ना। और डिविजन बाई टी थियोरम है कि इफ लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन लाप्लास एफ टी बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा तभी तब ये लाप्लास एफ टी बाई टी इक्वल टू इतना होगा, अगर लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ देखिए, गिवन क्या दिया है, एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी ये दिया है, और बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू होगा जीरो टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये क्या बराबर हुआ, एफ एस इज इक्वल टू हुआ, एफ एस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बाई डिफिनेशन, साइड में लिख दीजिए, बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके बाद डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करते, क्योंकि हमको एफ एस का इंटीग्रेशन चाहिए, ये एफ एस कैपिटल एफ एस है, एफ एस डी एस ये चाहिए हमको, तो इसीलिए हम लोग इसको करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एस बिटवीन द लिमिट एस टू इंफिनिटी, बिटवीन द लिमिट एस टू इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस, लेफ्ट साइड में ये हो जाएगा, राइट साइड में इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और डी एस, एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जीरो एस टू इंफिनिटी लगा दिए,
साइड में ds, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग मतलब इंटीग्रेशन का ऑर्डर हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर ये हम लोग कर देंगे तो देखिए सबसे पहले s का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, ये लिमिट किसका है, ये लिमिट 0 टू इंफिनिटी ये t का लिमिट है, तो सबसे पहले s का करेंगे तो ये s का लिमिट है ds, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि s टू इंफिनिटी, ये रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं हम लोग है ना, इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस टी ds और यहां ft dt, ठीक है। ये हम लोग इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां दो इंटीग्रेशन है, एक है s टू इंफिनिटी ये s का लिमिट है और ये है जीरो टू इंफिनिटी ये t का लिमिट है, तो s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम पहले कर दे रहे, तो s के रेस्पेक्ट में माने s का इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी और s वाला जो है टर्म है क्या है e टू द पावर माइनस इसी में खाली है, इसीलिए उसी का इंटीग्रेशन और बाकी ft dt बाहर में, ठीक है। तो जीरो टू इंफिनिटी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन e का पावर माइनस एस टी बाई माइनस टी हो जाएगा s के रेस्पेक्ट में इंटू एफ टी डी टी, यहां पर देखिए जीरो टू इंफिनिटी e टू दिवर माइनस एस टी बाई माइनस टी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये होगा तो इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट है s टू इंफिनिटी, ठीक है। तब क्या हो गया जीरो टू इंफिनिटी, यहां पर माइनस टू को बाहर कर दीजिए, e टू दी पावर माइनस एस टी को नीचे ले आइए, तो वन बाय टी e का पावर एस टी का लिमिट s टू इंफिनिटी एस टी डी टी, ये किसका लिमिट है, ये s का लिमिट है, तो जहां जहां पर s है वहां वहां पर हम लोग पहले अपर लिमिट, तो 1 बाय टी ई का पावर इंफिनिटी माइनस 1 बाय टी ई का पावर s, ये हो जाएगा अपर लिमिट, एक बार रखे एक बार लोअर रखे, तो एफ टी डी टी, अब माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e का पावर इंफिनिटी, इसी का पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, e का पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी इंटू टी, तो मतलब इंफिनिटी मतलब वन बाय इंफिनिटी हो जाएगा, वन बाय टी e का पावर एस टी और एफ टी डी टी, ठीक है। तो माइनस ये वन बाय इंफिनिटी मतलब जीरो, तो माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी जीरो माइनस वन बाय टी ई का पावर एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। तो यहां पर माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस ये वाला प्लस, ये तो जीरो है, मतलब जीरो टू इंफिनिटी वन बाय टी ई का पावर एस टी एफ टी डी टी होगा, तो जीरो टू इंफिनिटी ई टू पावर एस टी को ऊपर ले जाएंगे तो ई का पावर माइनस एस टी और यहाँ एफ टी बाई टी डी टी होगा, तो बाई डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से जीरो टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी ये एफ टी डी टी, मतलब लाप्लास क्या होगा एफ टी बाई टी ये हो जाएगा लाप्लास, तो क्या कर हुआ, ये हुआ एंड इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी एफ एस डी एस इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी बाई टी, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इस पर आधारित कुछ सवाल, साइन ए टी बाई टी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, वी हैव कि लाप्लास साइन ए टी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ए बाय एसी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी को हम लोग
एफ एस मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को निकालना है लाप्लास साइन एटी बाई टी। तो लाप्लास साइन एटी बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है नाउ, देयरफॉर लाप्लास साइन एटी बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ एस डीएस। तो एफ एस डीएस यही होता है, ठीक है। लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, तो लाप्लास एफ टी बाई टी इज इक्वल टू एस टू इंफिनिटी एफ एस डीएस। तो एफ एस के जगह क्या है, एस एफ एस के जगह ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएस। ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर चल गया, ठीक है। ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर चल गया, और इसका जो रहा वो एस टू इन्फिनिटी डीएस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एस बाई ए, उसका लिमिट हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी। अब ए कट किया तो टेन इनवर्स एस बाई ए एस टू इन्फिनिटी जो लिमिट है, ठीक है। तो यहां पर पहले अपर लिमिट बैठा है टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस के जगह एस बाई टेन इनवर्स एस बाई ए, और ये तो होता है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए, मतलब पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए मतलब कॉट इनवर्स एस बाई ए, यही होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है ना। तो आज इतना ही, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आने वाला वीडियो आप लोगों को, वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।